नका मी चुले ना चुले अपना चेहरा को माला साहिला तो नाचुले दे तो हिंदी हिंदी से भी बोलेगा, नागामी से बोलेगा, अंग्रेजी भी बोलेगा, सब भाषा बोलेगा, लेकिन विश्वास है आप समझ में आएगा आपको। हालेलुया, आमीन। तो आपका साइड में कोई है तो बोलो उनको कि आपका टाइम आ गया है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आप लोग बैठ सकेगा। हम लोग आइजाया चैप्टर 12 वर्स 3 देखेंगे। आइजाया चैप्टर 12 वर्स 3 एंड एक्चुअली पास्टर दिगंता और हम लोग एक्चुअली जान पहचान कैसे हुआ बोलने से आज मैं जो चीज के जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उसका द्वारा ही हम दोनों जान पहचान हुआ एक्चुअली। सो हम लोग स्पिरिट ऑफ फेथ चर्च में थे और पास्टर रेवरेंड मार्क हेनकिंस आके था उस टाइम पर। एंड देन इंसिडेंटली उस दिन पास्टर दिगंता मेरे साइड में बैठा हुआ था एंड उसका जो होने वाला पत्नी है उसका साइड में बैठा हुआ था। एंड देन व्हाट हैपेंड इज हम लोग वहाँ बैठे हुए थे एंड देन पास्टर रेवरेंड मार्क हेनकिंस जॉय के विषय में सिखा रहा था। जॉय, आनंद। आपको साइड में कोई तो देखिए बोलो हा हा हा, आनंद के विषय में सिखा रहा था। एंड देन उसी के बाद ही हम लोग का सीरियस बिजनेस शुरू हो गया हम दोनों का। सी एस लुइस ने बोला कि जॉय इज द सीरियस बिजनेस ऑफ हेवन और पास्टर मार्क हेनकिंस उसी के बारे में बोल रहा था एंड वहीं से हम दोनों का दोस्ती हुआ। एक्चुअली कैसे हुआ बोले से होली गोस्ट लाफ्टर के साथ हंस हंस के दोस्ती हुआ हम दोनों का। रिमेंबर राइट, इवन नाउ इवन आजकल भी हम दोनों जब मिलते हैं हम लोग सीरियस बिजनेस ही बोलते हैं आपस में। एंड एंड आइजाया चैप्टर 12 वर्स 3 में ऐसा लिखा हुआ है, न्यू किंग जेम्स अनुवाद में ऐसा बोल रहा है कि देयरफॉर विद जॉय यू विल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द वेल्स ऑफ सेल्वेशन। बोल रहा है कि आनंद से ही सेल्वेशन का कुआ से पानी लेगा हम लोग। हालेलुया, आमीन। यदि अगर आप एज अ क्रिश्चियन आपका जीवन में आप क्रिश्चियनिटी का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा है आप, इफ यू आर लिविंग बिलो द लेवल, आप अगर एक क्रिश्चियन है और बिलो लेवल है आपका जीवन एज अ क्रिश्चियन, आपका जीवन आगे नहीं है दुनिया में देखने से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम लोग कहीं भी देखने से क्रिश्चियन लोग ही सबसे गरीब लोग हैं, क्रिश्चियन लोग ही सबसे फटीचर है, सबसे मंगोड़ा लोग है ना, मंगोड़ा यू नो मांगने वाला खाली मांगता है। क्रिश्चियन लोग ही हिंदी मूवी में देखो क्रिश्चियन लोग ही जो बदमाश वाला गुंडा गुंडी क्रिश्चियन ही होता है ना, नहीं हैव यू नोटिस। और हम लोग का मतलब एक तो स्टेरियोटाइप हो गया हम लोग की क्रिश्चियन है और हम लोग ही सबसे बोरिंग लोग हैं। हम लोग जब देखो दूसरा लोग का जब प्रोग्राम लोग होता है लाइक दे हैव फेस्टिवल्स, उनका फेस्टिवल इतना कलरफुल होता है कुछ होता है एंड देन हम लोग क्रिश्चियन लोग क्या है ए मनाली भी मनावी ना मनाली भी मना ना मनावी ऐसे टाइप होता है क्रिश्चियन है ना, नहीं तो हम लोग एकदम बिलो स्टैंडर्ड, दुनिया वाले लोग भी अट्रैक्ट नहीं होते हम लोग को देख के, दे डोंट गेट अट्रैक्टेड टू अस। मतलब क्यों क्रिश्चियन होएगा हम, मेरे पास सब है क्यों होएगा क्रिश्चियन बोलता है वो लोग, कौन किस लिए है, हम लोग को देख के ही है, आप और हमको देख के ही है, आप लोग हम लोग को क्रिश्चियन लोग को देख के ही नोबडी वांट्स टू बी अ क्रिश्चियन, किसी को क्रिश्चियन बनने का मन नहीं है क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड ही इतना कम है। और बाइबल में यहाँ बोल रहा है एक रीजन है हम लोग का जॉय, हम लोग के पास आनंद ही नहीं है, चीज अच्छा मिलने से क्या होता है हम लोग खुशी होता है, हम लोग हंसता है, आनंद में रहता है हम लोग, अगर नहीं हंसने से भी एटलीस्ट आनंद में, यू आर इन कॉन्स्टेंट जॉय, वो जॉय हम लोग के अंदर नहीं है। हालेलुया, और ये वर्स में आइजाया चैप्टर 12 वर्स 3 बोल रहा है देयरफॉर विद जॉय यू विल ड्रॉ फ्रॉम द वेल्स ऑफ सेल्वेशन, बोल रहा है कि आनंद से ही हम लोग सेल्वेशन का कुआं से पानी लेगा बोल रहा है। हालेलुया, आमीन। तो आज अगर आप सेल्वेशन का पूरा बेनिफिट आपका जीवन में नहीं है तो आपका आनंद का मीटर उठाना पड़ेगा आपको। हालेलुया, अगर परमेश्वर ने ऐसे बनाया होता हम लोग को सर में एक मीटर होता तो हम लोग बोलता ओ ये मीटर थोड़ा बढ़ाओ, मीटर थोड़ा बढ़ाओ। एंड देन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ओवर द इयर्स मैंने देखा लोगों को व्हेन वी आर आउटसाइड द चर्च, चर्च के बाहर होने से हम लोग हाँ हालेलुया मेरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे बाहर में, जैसे ही चर्च का अंदर घुसेगा हम लोग जुप चेंज हो जाता है, हम लोग का पर्सनैलिटी पूरा चेंज हो जाता है, बाहर में एकदम हंसता खिलता आदमी भी, जैसे चर्च में घुसेगा हम लोग जुप सीरियस बाहर निकल जाओ ए प्रेज द लॉर्ड भात खाओ इधर भात खाओ आई थिंक वी गोइंग टू हैव फूड और समथिंग, हाँ भात खाओ हाँ भात खाओ, चर्च में घुसे जुप। गौर किया नहीं किया आप लोग भी, आज आप लोग भी ऐसे किया कोई के लोग ना सब लोग ही क्या बता, चर्च में घुसने के साथ हम लोग सीरियस मोड में आ जाता है हम लोग। हालेलुया, आमीन। व्हेयरएज बाइबल में इफ वी सी आई थिंक साम 2 वर्स 4 में बोल रहा है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है वो हंस रहा है बोल रहा है। हालेलुया, आमीन। सोच के देखो ना कोई कोई क्रिश्चियन लोग जब वो लोग व्हेन दे गो टू हेवन, जब वो लोग स्वर्ग में घुसेगा
वो लोग बाहर तो हेवन का बाहर में तो हंसी खुशी अभी हेवन जा बोले ऐसे, हेवन जा बोले ऐसे ना, मरने के बाद सोचा हेवन जा रहे बोले ऐसे, एंजल के साथ में ओए हेवन किन्हीं का हंसे किन्हीं का हंसे, क्या बोलेगा, जैसे घुसेगा वो सोचेगा सीरियस है, और सरप्राइज लगने वाला है कि परमेश्वर तो स्वर्ग में बैठ के हंस रहा है, हालेलुया, वो सरप्राइज लगने वाला है। फर्स्ट तो बोले किस लिए सरप्राइज लगेगा बोले से, तो पहले तो सोना का रास्ता है उधर, अरे मुख तो कोयले न हो, सोना होना का पीछे मत करो, और यहां तो स्वर्ग का रास्ता ही सोना है, मतलब ये नहीं बोला कि आप सोना का पीछे करो, ये नहीं बोल रहे हम, लेकिन भी सरप्राइज होने वाला है आप हेवन जाके, आमीन। जो एटमॉस्फेयर है हेवन का वहां पे, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, जो आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है वो पूरा पूरी अलग है, आमीन, हालेलुया, पूरा पूरी स्वर्ग का एटमॉस्फेयर खुशी का है, आनंद का है, क्योंकि जो स्वर्ग को चला रहा है वही पूरा आनंद से भरती है, हालेलुया, सोच के देखो, आमीन। कोई आपका साइड में तो देख के बोला हा हा हा, अपना कोई ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत समझ जानते हैं। साम 16 वर्स 11 में ऐसे बोल रहा है, मिडिल में बोल रहा है, इन किंग जेम्स वर्जन में ऐसे बोल रहा है, इन योर प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय, आपका उपस्थिति में आनंद भरता है, बहुत ज्यादा आनंद है बोल रहा है, हालेलुया, आमीन। ध्यान देना, आनंद तो एक फीलिंग नहीं है, जॉय इज नॉट अ फीलिंग, इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टेंस, आपको कैसा लग रहा है उसका वजह से आप आनंदित है, ये नहीं है, हालेलुया, आमीन। आनंद तो आपका एक चॉइस है, लाइक हाउ यू चूज टू लव, आप कैसे एक इंसान को प्रेम करने के लिए चॉइस होता है आपका पास, आपके पास में, वैसे ही आनंद मनाने का भी एक चॉइस है आपके पास में, हालेलुया। साम 126 देख के देखिए, साम 126, हालेलुया, इतना चुपचाप मत हो जाना, नहीं तो मैं सोचूंगा सब भाग गए चर्च से। साम 126 में ऐसे बोल रहे हैं कि व्हेन द लॉर्ड ब्रॉट बैक द कैप्टिविटी ऑफ ज़ायन वी वर लाइक दोज हु ड्रीम, बोल रहा है कि जब ज़ायन को बंदी से निकाला, बंधावा से निकाला, ज़ायन इज जस्ट जेरूसलम, टॉकिंग अबाउट जेरूसलम, जब बंदी से निकाला उन लोग को, मतलब इसराइल देश को जब निकाला बंदी से, तो वो लोग तो सपना देख के निकल रहा था बोल रहे हैं, सब लोग बोलो सपना, किसी का नाम सपना है क्या पे, नो सिस्टर ना, तो इट्स ओके देन, तो सपना देखने का तरह है एक, आप ड्रीम बोल रहे कि एक सपना देखने का तरह है कि जब परमेश्वर ने हम लोग को बंदी था, हम लोग उससे निकाला, हम लोग कितना जन जानता है, आप जब आप मसीह में नहीं था आप बंदी था, हाउ मेनी ऑफ यू नो, व्हेन यू वर नॉट इन क्राइस्ट आप तो बांधा हुआ था, पाप में बांधा हुआ था, इस दुनिया का तरीका में बांधा हुआ था, बट परमेश्वर ने क्या करा, आपको उससे बाहर निकाल दिया यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और उसके बाद बोल रहा है वर्स 2 में बोल रहा है, देन आर माउथ वॉज फिल्ड विद लाफ्टर एंड आर टंग विद सिंगिंग, देन दे सेड अमंग द नेशंस द लॉर्ड हैज डन ग्रेट थिंग्स फॉर देम, बोल रहा है उसके बाद हम लोग के मुंह में हंसी था, हमारा जबान पे गीत था बोल रहा है, और तब लोग देख के बोला कि परमेश्वर ने इसका जीवन में कुछ बड़ा काम किया है, हालेलुया, आमीन। इंटरेस्टिंग राइट, फर्स्ट वर्स में देखने से तो बोल रहा है सपना देखने का तरह था, अगर आप मेरे को 15 साल पहले मिलता, आप किस लिए हंस रहे हैं, आपको भी अगर हम लोग को कोई स्पेशली फॉर मी, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं, जब अगर मैं आप मेरे को 15 साल पहले मिलता, आप मेरे को, मेरे पत्नी को पूछ सकता है आप, अगर आप मेरे को 15 साल पहले मिलता तो आप अभी मेरे को देखता तो आप भी हंसता, हया किने को आ ना, कैसे हुआ ये, इवन इन फैक्ट आई एम इन ऑल समटाइम्स, हम भी कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, अरे क्या हुआ, आईना में देखने से अरे क्या हुआ, आमीन। परमेश्वर ने क्या कर दिया मेरा जीवन में, मतलब खराब नहीं अच्छा क्या कर दिया बोलने से तो कुछ खराब, अच्छा जो किया परमेश्वर ने मेरा जीवन में, सपना देखने का तरह था, 15 साल पहले मैं तो गटर में था, नॉट एज इन नाला के अंदर था, बट मतलब मेरा जीवन पूरा इट वॉज इन अ मैस, पूरा खराब तरीके में मेरा जीवन था, बट अभी देखने से मेरा जीवन, परमेश्वर ने क्या कर दिया मेरे जीवन में, सोचने से कभी तो अकेले अकेले भी हंसी भी आता है, तो आंटी बिलक मुख की सहन आए ना, जो भांगा टूटा समीस में पोहला सहन आए मुख ऐसा लगता है मेरे को, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या करा मेरे जीवन में, हालेलुया, आमीन। आप मेरा पत्नी को पूछे कभी तो वही मेरा पर हंसता है कि परमेश्वर ने क्या करा मेरे जीवन में, आपका जीवन में अगर आप पीछे देखो, खाली सोच के देखो, पहले आप क्रिसमस में क्या करता था, पहले में क्या करता था हम लोग क्रिसमस में, दारू लेगा,
राइट, मीट पकाएगा, रात भर गाना, हिंदी गाना, हिंदी फिल्म का गाना बजाएगा, नाचेगा ठीक से, राइट. और अभी देखने से तो कंप्लीटली ऑपोजिट है हम लोग. आमीन. कभी तो हंसी लगता है कि नहीं, अरे बोला देने का था कि मैं अभी गाना बजाएगी या नहीं. वो लोग सोचने से, अरे हम लोग भी ऐसा था पहले में. ये सुनो, हम लोग को पूरा पूरी हंसी से भर देता है परमेश्वर. हालेलुया, इज द लॉर्ड. परमेश्वर ही हम लोग को बदली कर सकता है. हालेलुया, आमीन. और मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ गॉड कैन टेक अस फ्रॉम देयर टू हियर, अगर परमेश्वर हमें उधर से इधर लाया तो यहां से कहां ले जाएगा, सोच के देखो आप. हालेलुया, जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर सोचने से भी पूरा मेरा तो व्हाट डू यू कॉल दैट, पूरा चूल खड़ा हो जाता है ना बॉडी में, रॉन्ग टे खड़ा हो जाता है, राइट. सो इफ गॉड कैन डू दैट फ्रॉम दैट टू हियर, इन 15 साल में मेरा जीवन में परमेश्वर ने क्या करा, और 15 साल रुक के और 30 साल रुकने से परमेश्वर क्या करने वाला है. हालेलुया, तब तो और भी हंसी आता है. हालेलुया, आमीन. कोई आपको साइड में तो देख के बोलो, आपको देख के हंसी आ रहा है. आप जॉनी लिवर नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो करने वाला है उसके लिए. हालेलुया, आमीन. इनफैक्ट नहमाया 8:10 में बोल रहा है, लास्ट पार्ट नहमाया 8:10 में बोल रहा है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ. परमेश्वर का आनंद ही हम लोग का सामर्थ्य है, बोल रहा है. हालेलुया. इनफैक्ट हम लोग अगर फर्स्ट पीटर देखें, फर्स्ट पीटर चैप्टर 8:9 अगर देखें, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है. फर्स्ट पीटर चैप्टर 1:8-9 देखें तो ऐसे बोल रहा है, क्या बोलते हैं, whom having not seen you love, therefore now you do not see him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. वो ऐसे बोल रहा है कि किसको नहीं देख के भी आपने विश्वास किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह का पर विश्वास किया. हालेलुया. फिर बोल रहा है कि आपने उसको नहीं देखा फिर भी विश्वास किया, लेकिन अभी आप विश्वास कर रहे हैं इसलिए आप आनंद मना रहे हैं, और आपका विश्वास का अंत आपको मिलेगा तब. दैट मीन्स अंडरस्टूड यू, आप प्रे किया कि आप प्रे. कितना जन नया बाइक के लिए, जवान लोग कितना नया बाइक के लिए प्रे करा, कोई भी नहीं किया. और नया लड़की लोग लिपस्टिक के लिए बोलने वाला था मैं. लड़की लोग आप व्हाट डू गर्ल्स लाइक, स्कूटी के लिए प्रे करा. कितना जन, एक टू है खाली एक जन नहीं, इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, लेकिन लेकिन भी अच्छा. व्हाट एल्स गर्ल्स, व्हाट डू यू लाइक, कार स्टैंडर्ड विराट हाई से दे लोरा बिलाक. तो यू प्रेड ना, यू प्रेड. मार्क 11:24 में बोल रहा है कि व्हेन यू स्टैंड प्रेइंग बिलीव दैट यू रिसीव इट एंड देन यू विल हैव इट. कोई बोल रहा है उधर पर, बोल रहा है कि आपका प्रार्थना करने खड़ा होता है, आप विश्वास करो कि आपको मिल गया, तब आपको मिल जाएगा, बोल रहा है. हालेलुया, आमीन. तो उस विश्वास करने का और मिलने का बीच में एक समय है, ध्यान देना. विश्वास करने का, आप जब प्रे करा और मिलने का, आंसर मिलने का बीच में एक समय है. हालेलुया. इनफैक्ट आप अगर बीमार हैं तो आपने प्रे करा, सोचो आप पेट दर्द हो रहा है आपका, आपने प्रे करा, बाबा ईश्वर मुख भाल कर दीवी, पास्टर दिगंता होता है कोई थे मार्क 11:24 कि कब प्रे कर रहा है, तब विश्वास करो तो मिल जाएगा, तो प्रे करा है कि मेरे को मिल गया, आमीन. और पेट तब भी दर्द कर रहा है आपका. ए पास्टर दिगंता मिसा को, क्या पास्टर दिगंता ने झूठ बोला आपको? नहीं, सच ही बोला. क्या वचन झूठ बोल रहा है आपको? ना, वचन भी सही बोला आपको, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने जब प्रे करा और आपका मैनिफेस्टेशन का बीच में एक समय है, एक रुकने का समय है. बाइबल में आप नया नियम जब पढ़ेगा, विश्वास के साथ ज्यादातर पेशेंस लिंक्ड है. जब प्रे करता है विश्वास करके, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको बीच में. हालेलुया. तो उस बीच में आप क्या करेगा जब पेशेंस, तो सपोज सोचो कि आप स्कूटी के लिए प्रे करा, कार के लिए प्रे करा, आप बाइक के लिए प्रे करा, एक नया गिटार के लिए प्रे करा, आपने नया घर के लिए प्रे करा, प्रे करने के बाद में आप वेटिंग में है, वेटिंग ना, कॉल वेटिंग ना, वेटिंग वेटिंग हो रहा है, वेटिंग. क्या करेगा आप नॉर्मली, क्या करता है लोग और लोग को मिलने से, ओ भाई टी मुँह करने प्रे कुटी भी दे, तो प्रे तो अपनी कुरीशी ले आ गए थे कि नहीं, तो प्रे किस लिए करेगा बार बार. स्मिथ विगल्सवर्थ ने ऐसे बोला, स्मिथ विगल्सवर्थ का मिनिस्ट्री में लगभग 24 आदमी मरा हुआ जिंदा हुआ है, तो उसका बात तो थोड़ा भारी है, समझना ना, थोड़ा तो भारी है ना. हम लोग अभी तो फर्स्ट एक भी मुर्दा मिला ही नहीं हमको अभी तक भी उठाने के लिए. उठाना था लेकिन मिला ही नहीं कोई मुर्दा. तो क्या हुआ बोलने से, तो उसने बोला कि यदि आप प्रे करता है, आई थिंक 100 times आप प्रे करा आपको जवाब मिला, ऐसे कुछ था एग्जैक्ट उसका वो भूल गया मैं, बट अगर 100 times आप प्रे करा और आपका जवाब आपको 100 time में मिला,
कोई भी प्रार्थना का जवाब 100 टाइम में मिला, मतलब एक बार प्रे करा, 2 बार प्रे करा, 3 बार प्रे करा, 4 बार प्रे करा, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, ओ आंटी मुकान प्रे कर दी, प्रे सेंटर उठ कोई देवी, ओ टू चर्च उठ कोई देवी, निशी चर्च उठ कोई देवी, पास्टर डिकंटा ये कोई देवी, जॉन बाग की कोई देवी, तो ये कोई देवी, तो पास्टर मुनु की कोई देवी, तो ये कोई देवी, करते 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 अचानक से आप मेरे पास में आ गए एक दिन, हम आ गए न्यू ईयर के दिन में, और आप बोला पास्टर प्रे कर दो, और हम विश्वास का बात कर आपसे कि क्या करने चाहिए विश्वास करके, वो लोग भी बोला आपको, लेकिन आज थोड़ा ध्यान दे क्योंकि नया 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 माइक्रोफोन से निकला ना आवाज, सेम बात ही निकला लेकिन नया स्पीकर से निकला, तो सोचा कि नया मन नतुन कथा कोई ले अजी, तो पास्टर डिकंता बेचारा इतना साल से बोल रहा है, एक दिन आके हम बोला तो बोला मन नतुन कथा कोई दिले तो आपका प्रेयर टोन 100 टाइम में आंसर हो गया आपका आंसर, आप बोलेगा पास्टर तो बेसी पावर आसे दे नहीं, आदमी नॉर्मली ये सोचता है पावर बेसी आसे, तो स्मिथ विगल्सवर्थ ने बोला यदि आप एक बार एक चीज के लिए 100 बार प्रे करने के बाद में 100 बार में आपको आंसर मिला तो 99 टाइम्स तो आप अंधविश्वास में प्रार्थना किया। किसी का न्यू ईयर में तो प्रार्थना आंसर हो रहा है भी, किसी का ओ इतु कारण मैं आई न्यू ईयर इतु कारण माती से मुख न, तो अगर आप 100 टाइम में आपका प्रेयर आंसर हुआ है तो 99 टाइम्स तो आपने अंधविश्वास में प्रे करा, और या तो मैं सोचता हूँ कि या तो आपने जो वेटिंग टाइम था आपका उसमें अपना विश्वास खो दिया, ईमान दिन रुखिया से वो ताई बाइक पाई से, ताई स्कूटी पाई से, ताई कार पाई से ना, तार शादी हुई गोल मुई तुम्हारा बुरी हुई से ना ना, अगर आप ऐसा हो गया आप कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेनिंग हैज नेवर गॉड हैज नेवर आंसर्ड कंप्लेंस, परमेश्वर ने कभी कंप्लेन आंसर नहीं करा, अगर कंप्लेन आंसर करा होता तो हम लोग बहुत लोग तो मरा मर ही जाता पहले बचपन में ही, ये तो शैतान ला पोले मुरी जेले भाला से ना बाबा हाँ कि नहीं ना, पहले मर जाना था हम लोग तो कंप्लेन को आंसर करने से, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर कंप्लेन को आंसर नहीं करता है, हिब्रूज 11:6 में बोल रहा है गॉड इज प्लीज्ड बाय आवर फेथ, हम लोग का विश्वास से ही वो उसको प्रसन्न कर सकता है हम लोग, हालेलुया थैंक गॉड वो वर्स है, नहीं तो मम्मी पहले बोला होता मुरी जाले भाला से आज तो यहाँ खड़ा भी नहीं होता माइक लेके और आप लोग मत हंसो, आप लोग भी यहाँ नहीं होता सिंपल, तो द थिंग इज इन द वेटिंग टाइम जब आप रुक रहे हैं परमेश्वर का आंसर, परमेश्वर का आंसर के लिए जब रुक रहे हैं आप, परमेश्वर ने तो आंसर दे दिया, मैनिफेस्टेशन के लिए जब रुक रहे हैं आप, वो स्कूटी, वो बाइक, वो आपका काम के लिए, वो शादी होने के लिए, वो बच्चा के लिए, वो पढ़ाई में पास होने के लिए, उस वेटिंग टाइम में क्या करेगा आप, इस वर्स में बोल रहा है विद जॉय इनएक्सप्रेसिबल रिसीविंग द एंड ऑफ योर फेथ, मतलब इसके बीच में आप आनंद मनाएगा, हालेलुया आमीन, जब भी वो उसके बारे में सोचेगा आप खुशी से इनएक्सप्रेसिबल जॉय से खुशी मनाएगा आप, सबको मिल रहा है, सोचो कि आपने बाइक के लिए बिलीव कराया लेकिन आपका दोस्त किसी को मिल गया बाइक, और सेम टाइप बाइक आपको चाहिए था उसको मिल गया, अरे परमेश्वर क्या हुआ रॉन्ग नंबर गिरा दिया आपने तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग उस टाइम पर रिजॉइस करो उसके साथ, मिल के आनंद मनाओ उसके साथ, हालेलुया आनंद मनाओ कि परमेश्वर ने उसका जीवन जो किया वो आपके लिए भी करेगा, एक्स चैप्टर 10:34 में बोला है कि परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है, हालेलुया जो परमेश्वर उसके लिए कर सकता है आपके लिए कर सकता है, जो मेरे लिए कर सकता है वो आपके लिए कर सकता है परमेश्वर, हालेलुया, बट द थिंग इज आपको आपका एटीट्यूड सही रखना है व्हेन यू वेटिंग, हालेलुया, स्पेशली हम लोग आसाम में है, ऐसे क्या रतनपुर आप मेरे जगह में आओ खाटी सो आप ऐसे जगह में है तो आप वेटिंग पीरियड थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्पेशली, हाँ एकदम गाड़ी में एक हाईवे में चलेगा, अभी थोड़ी देर पहले गया, अभी कितना मिनट हो गया भाई, मेरा नंबर कब आएगा, कौन सा गाड़ी आएगा नया, इट बिकम्स डिप्रेसिंग एट टाइम्स, मन छोटा हो जाता है कभी, उस टाइम में क्या करेगा, आनंद मनाओ, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ, हालेलुया उस टाइम पर आनंद मना के परमेश्वर के धन्यवाद दो आपके आपका जीवन के लिए, हालेलुया एटलीस्ट धन्यवाद दे सकता है आप जो है उस चीज के लिए आप परमेश्वर को, आमीन, कोई आपके साइड में देखिए बोलो आज आप मेरे साथ बैठा है इसलिए आनंद मनाओ, हालेलुया हालेलुया, आपका दूसरा साइड में कोई है तो देखिए आग बड़बड़ा कर दो उनको, कोई बोला आओ, गाना करने वाला ने बोला था कि सब लोग बोलता है ना गाना करने से पहले बोलता है कि आया ब्याह हो क्या परमेश्वर का स्तुति के लिए है इसलिए माफ कर दो, इसलिए खराब शुरू कर देता है बोला ना, उसी की तरह हमें बोलेगा इसलिए हम भी शुरू में बोलते हैं मेरा नोट्स गुम हो गया था हालेलुया जेम्स चैप्टर 1 तो और आप लोग बोले नीचे से पास्टर क्या ऊपर नीचे कर रहा है नोट्स गुम हो गए थे क्या कर रहा है आप, जेम्स चैप्टर 1:2-3 में ऐसे बोल के रखा है, लेट्स सी
James chapter 1. ये वर्स लोग कुछ नया वर्स नहीं है, पूरा बाइबल तो कितना हजार साल से हम लोग का हाथ में ही है. सो इसलिए अगर आप बोल रहे कि पास्टर आप तो सेम वर्स ही बोल रहा है और नया बाइबल नहीं है भाई. James chapter 1 verse 2 and 3. बोल रहा है, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. बोल रहा है, and then it goes verse 4 में बोल रहा है, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete lacking nothing. बोल रहा है कि मेरे भाई लोग और बहन लोग, count it all joy when you fall into various trials. जब विभिन्न प्रकार का दिगदार आता है, तकलीफ आता है, दुख तकलीफ आता है, तब आनंद मनाओ. बोल रहा है, हालेलुया. कब मनाएगा आनंद? नहीं नहीं, क्रिसमस से मनाओ लगे ना आनंद तो अमी खान. एक दिन ही फुर्ती करो लगे अमी खान. कब मनाएगा? बोल रहा है, बोल रहा है कि जब तुम्हारा जीवन में दुख तकलीफ आता है, विभिन्न प्रकार का किस्म किस्म का दुख तकलीफ आता है, तब आनंद मनाओ. बोल रहा है, हालेलुया. हम बोला नहीं थे ये लिएंडर डेविड किताब नहीं है, ये बाइबल है. हालेलुया. बोल रहा है कि विभिन्न प्रकार का जब प्रॉब्लम आता है तुम्हारे जीवन में, तब आनंद मनाओ. दुनिया क्या बोलता है? उल्टा बोलता है. जब प्रॉब्लम आता है तब दुख मनाओ बोलता है. हालेलुया. ना हिंदी फिल्म में देखा नहीं, अगर लड़की को लड़का छोड़ दिया तो भाग के जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो अभी आनंद मनाने जा रहा है, सीधा रूम में भागेगा, दरवाजा ढडांग बंद करेगा और पिलो में जाकर रोने शुरू कर देगा. वो हम लोग के लिए नहीं है. हालेलुया. आमीन. आमीन. और लड़का लोग जाएगा कुछ जाके, मतलब कहीं कूद देगा, नदी में कूद देगा कुछ, आई डोंट नो. बट बोल रहा है कि व्हेन यू फॉल इनटू वेरियस ट्रायल, जब प्रॉब्लम आना शुरू हो गया आपका जीवन में, उस टाइम में ज़्यादा आनंद मनाओ आप. हालेलुया. आमीन. ऑल्टर कॉल नहीं दे रहा है, लेकिन कितना जन आपका जीवन में प्रॉब्लम है? एक टोन से प्रॉब्लम है आपका जीवन में. किस किस का जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? आपका नहीं है. किस किस का जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? सबका जीवन में प्रॉब्लम है. हालेलुया. Amen. Amen. आज एक तो मजा का बात बोलेगा आपको. सब लोग बोलता है कि क्रिश्चियन होने से तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाओ, सब खत्म. हम लोग क्या पिच करता है? नॉन बिलीवर को क्या पिच करता है? हम लोग बोलता है कि क्रिश्चियन हो जाए ना, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाओ, पैसा वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाओ, माई की बचाला प्रॉब्लम खत्म हो जाओ. आप झूठ बोल रहे हैं भाई. हालेलुया. Amen. वो लोग का प्रॉब्लम आप देखो वर्ल्ड में, वंस यू बिकम अ क्रिश्चियन, आप क्रिश्चियन बनने के बाद में आप देखिएगा ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा आपका जीवन में तब. हालेलुया. आपका विश्वास के लिए आपको परसिक्यूट करेगा लोग. आमीन. इनफैक्ट अगर आप क्रिश्चियन हैं और कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तब प्रॉब्लम है एक्चुअली. हालेलुया. अगर सब ठीक ठाक चल रहा है आपका जीवन में, तब भाई थोड़ा चेक कर लो अपना जीवन, आप किधर जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. हालेलुया. आमीन. क्या पता शैतान और आप हाथ में हाथ धड़ के चल रहेगा, इसलिए आ रहा नहीं आपका खिलाफ में वो. हालेलुया. आमीन. तो प्रॉब्लम्स तो आने वाला है. आप जब क्रिश्चियन हो जाता है, द थिंग, द इंपॉर्टेंट थिंग ये है, सबसे जरूरी चीज ये है कि वंस यू बिकम अ क्रिश्चियन, प्रॉब्लम्स आने से भी आपका नाव में तो यीशु मसीह है अभी. हालेलुया. कितना तूफान आने से, कितना आंधी आने से भी आपका नाव तो पार जाने वाला है, कैसे भी होने से. हालेलुया. आमीन. ध्यान देना ये बात को. Amen. प्रॉब्लम तो आने वाला है. तो नेक्स्ट टाइम जब एक नॉन बिलीवर को आप बोलेगा कि आप मसीह में आ जाओ ना, क्रिश्चियन बन जाओ, तो किस लिए बनेगा बोलेगा वो, तो बोलो कि आपका जीवन में प्रॉब्लम और ज्यादा आएगा इसलिए. लेकिन उस प्रॉब्लम को आप पार कर सकेगा. Amen. Hallelujah. तो बोल रहा है कि जब आपका काउंट इट ऑल जॉय, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, जब आपका प्रॉब्लम आ रहा है आपका जीवन में. ऑल जॉय बोल रहा है. क्या क्या बोला था उस टाइम पास्टर डिगन, था बोलता है बोला था ना वो बात, ऑल जॉय ना कुछ समथिंग, ऑल ना समथिंग अबाउट ऑल, ऑल सब ना सब के बारे में ना. सो इट्स सेज काउंट इट ऑल जॉय, एकदम बड़ा खुशी मनाओ बोल रहा है. ओ पास्टर, आज सुबह सुबह मेरा बीवी भाग गया. मेरा बीवी दूध वाला का साथ भाग गया, मेरा बेटी चाय वाला का साथ भाग गया, मेरा घर में आग लग गया ना, चर्चत आहा टाइम दे आहा हुमाते एक्सीडेंट हुई कि ना, मुझे लगा ठेंग भांगी से भूरी भांगी गोल भूरी ना भांगी. पास्टर काम क्या है मालूम है? आया बेचारा. नहीं 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 नहीं, खुशी मना दी. ये वर्स बोल रहा है, ये सुनो, दैट वर्स सेज आनंद मनाओ बोल रहा है. हालेलुया. प्रॉब्लम के लिए आनंद मत मनाओ, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है यीशु मसीह, इसलिए आनंद मनाओ. हालेलुया. आमीन. क्योंकि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन सामने है, इसलिए. हालेलुया.
Amen. फिर बोल रहा है verse 2-3 में बोल रहा है, knowing that the testing of your faith produces patience. बोल रहा है कि कब आपका विश्वास का टेस्ट होता है, तब आपका अंदर में धीरज आता है, patience होता है, बोल रहा है. And then it says, he says, क्यों patience, बोल रहा है, but let patience have its perfect work that you may be perfect and lack nothing. तो जब आपका विश्वास का टेस्ट होएगा, तब आपका अंदर में patience बढ़ेगा. जब patience बढ़ेगा, तो आप perfect बनेगा, बोल रहा है. Hallelujah. Amen. कितना लोग को perfect बनने मन है? कुछ को बनने मन नहीं है, बनने मन है परफेक्ट. कुछ भी करने से, गाना करने से भी नेक्स्ट टाइम ये पिच नहीं मारेगा. ए मैं गाना करूँ बोले ऐसे, बोले आवाज़ वाला बिया से ये पिच नहीं मारेगा. नहीं नहीं मारू वो मैं गाना एकदम भाल मारू वो, अपना कान पर भी चीनी गिरी वो. खराब करने से खून निकलता है ना, बोलता है हम लोग ना, इसलिए चीनी निकलेगा आपका कान से, बोलेगा. हालो भैया, तो क्या है बोलने से, तो एज यू ग्रो इन पेशेंस आप परफेक्ट बनेगा, बोल रहा है, सिद्ध बनेगा, बोल रहा है. हालेलुया, आमेन. लैकिंग नथिंग, कुछ का कमी नहीं होगा, बोल रहा है. लेकिन कहाँ से शुरू हो रहा है? जब आप आनंद मना रहे, कहाँ से शुरू हो रहा है कमी नहीं होना आपका जीवन में? कहाँ से हो रहा है? जब हम आनंद खुशी मना रहा है परमेश्वर के सामने में. हालेलुया, हालेलुया. कोई आपका साइड में तो देख के बोलो, आपको बात कर रहा है क्या पास्टर?